जो हालात उनके बाद तनाव में माहौल देखा, अब क्या स्थिति है, अब क्या हालात रहे? ये नागौरी मोहल्ला और बुजुर्ग मोहल्ले के बीच में तो बाइक को चलाने को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसमें दो गुटों में आपसी तनाव हो गया था, पथराव की घटना भी हुई है जिसमें दोनों पक्षों में हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो दोनों तरफ अभी समझाइश की गई है, दोनों तरफ शांति है, दोनों ही पक्ष समझाइश से मान गए हैं और ईद का अवसर है तो कल सभी भाईचारे से ईद भी है। तो किसी छोटी मोटी जो उनके अंदर गलत फहमी हुई जिससे ये झगड़ा हुआ, अभी एकदम पूर्ण शांति है। सर, पुलिस के सामने बार बार तकरीबन आधा घंटे से अधिक समय तक पथराव होता रहा, पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग क्यों नहीं किया? पुलिस के पास पर्याप्त जाप्ता आने में समय लगा, SHO साहब छुट्टी पे थे, तो जैसे ही जाप्ता हुआ तो इनको दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया गया। आंसू गैस की स्थिति आई नहीं, पथराव जो हुए थे उसमें दोनों पक्षों को अलग करते ही वो शांत हो गया। कॉन्स्टेबल को चोटें नहीं? हाँ, दो कॉन्स्टेबल को चोटें आई हैं और तीन सिविलियन को भी हल्की चोटें आई हैं, अभी उनका इलाज कर। बाइक कोई रास्ते से जा रही थी, स्पीड से जा रही थी, उसको लेकर कोई विवाद हुआ, विवाद थोड़ा बड़ा और दोनों समुदायों के दो समुदाय के मध्य पथराव वगैरह। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और गश्त लगातार जा रही है। तुझे जवान भी घायल हुए, कितने लोग घायल हैं टोटल? तीन चार लोग घायल हैं, पत्थरबाजी में तीन चार लोगों के लगी हैं और कुछ आमदनी के भी लगी है, दो तीन लोग आमदनी जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। सूचना मिलने पर सबसे पहले आप मौके पर पहुंचे, आपके सामने पथराव हुआ, नंगी तलवारें लहरी, क्या पुलिस ने आंसू गैस के प्रयोग क्यों नहीं किया? पथराव चल रहा था, हमें हमारा पहला मोटो यही था कि हम इसको कंट्रोल करें, तो हमने इसको बिना किसी जनहानि के हमने इसको कंट्रोल किया। कुछ लोगों को राउंड अप किया गया, क्या किस तरह की कार्रवाई? जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल कार्रवाई। किस तरह लोगों से अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील है कि किसी भी तरह के अफवाह में ना आए। मालपुरा एक शांत प्रिय इलाका है, लोगों में भाईचारे का संदेश के लिए SP साहब यहाँ आके देखे गए हैं, बिल्कुल शांति अभी स्थापित है और शांति के साथ ही आगे